टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंटी न्यू प्लास्टिक ड्रग. एंटी मीन अपोज, न्यू प्लाज्म. न्यू प्लास्टिक का मतलब है कैंसर के खिलाफ जो ड्रग यूज़ करते हैं उसके इसके मुताबिक हम पढ़ेंगे. एंटी न्यू प्लास्टिक ड्रग्स क्या है, ये हमारा टॉपिक है. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स डेट आइडेंटिफाई फॉर मेजर डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ नॉर्मल एंड मैलिग्नेंट सेल. के फोर कौन से डेवलपमेंटल स्टेज है नॉर्मल और मैलिग्नेंट सेल में, वो कौन से फोर स्टेजेस हैं वो पढ़ेंगे, यानी सेल साइकिल पढ़ेंगे. लेस कॉमन एंटी न्यू प्लास्टिक ड्रग, कॉमन जो कॉमनली यूज होते हैं एंटी न्यू प्लास्टिक ड्रग्स कॉमनली, उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सेल साइकिल पे, इसके क्या इफेक्ट्स है, कौन से पेस पे कौन सा ड्रग काम करते हैं, आइदर G1 पे कौन सा ड्रग काम करते हैं, आइदर एस पेस पे कौन सा काम करता है, G2 पे कौन सा काम करता है, वी विल डिस्कस इन दिस प्रेजेंटेशन. डिस्क्राइब द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ केमोथेरापी. केमोथेरापी की ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की क्या वो उसूल है, किस प्रिंसिपल पे हम देंगे. डिस्कस द कॉमन टॉक्सिसिटीज ऑफ द एंटी न्यूप्लास्टिक केमोथेरापी, इसके जो कॉमन टॉक्सिसिटी है. व्हेन वी एडमिनिस्टर द केमोथेरापी ड्रग टू द पेशेंट, व्हाट टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी, व्हाट टाइप ऑफ एडवर्स इफेक्ट विल बी डेवलप इन दोज टाइप ऑफ पेशेंट, इस पेशेंट में कौन से एडवर्स इफेक्ट डेवलप हो सकते हैं टॉक्सिसिटी की वजह से. एम्प्लीमेंट अ प्लान ऑफ केयर यूजिंग नर्सिंग मैनेजमेंट कॉमन टू द ऑल एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग के लिए. नर्सिंग जो कॉमनली जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वी विल डिस्कस इन दिस प्रेजेंटेशन. हमारे पास इंट्रोडक्शन क्या है. बिफोर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग, फर्स्ट टू टॉक अबाउट दैट व्हाट इज कैंसर, कि कैंसर है क्या चीज. व्हाट इज कैंसर, एनी वन नो अबाउट दिस, दैट कैंसर रिफर्स टू द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स. जो जैसे हम कहते हैं कि कंट्रोल ग्रोथ जो है नॉर्मल सेल में क्या होते हैं, कंट्रोल ग्रोथ होते हैं, क्योंकि हर क्रोमोसोम पर जीन होते हैं और जीन क्या करते हैं, कंट्रोल ओवर द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन पे कंट्रोल करता है. लेकिन हमारे पास कैंसर सेल में क्या होते हैं, इन द कैंसर सेल दिस इज द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ. जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल होगा तो इसको हम कौन सा सेल कहते हैं, एबनॉर्मल सेल्स कहते हैं. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू प्लास्टिक सेल के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं. बेसिकली तो आप कैंसर के टू टाइप्स होते हैं, वन इज बिनाइन एंड द अदर वन इज मेटास्टेसिस. बिनाइन मीन लोकलाइज एबनॉर्मल सेल डिवीजन, लोकलाइज एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को जब एक ही एरिया में हो इसको हम बिनाइन कहते हैं. जबकि मेटास्टेसिस होते हैं जब वो फैल जाए, आइदर बाय ब्लड सर्कुलेशन, आइदर बाय लिम्फ नोड्स के जरिए वो क्या हो जाते हैं, वो फैल जाते हैं, इसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं. विच वन इज डेंजरस, बिनाइन और मेलेग्नेंट. मेलेग्नेंट इज डेंजरस, सही है. तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू प्लास्टिक सेल के वो क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. परसिस्टेंस प्रोलिफरेशन होती है, यानी अनरिस्ट्रेंड ग्रोथ होती है. एंड डिवीजन ड्यू टू डैमेज टू द जीन दैट कंट्रोल सेल ग्रोथ. फिर क्या होता है, अनरिस्ट्रेंड ग्रोथ एंड डिवीजन, यानी जो डिवीजन जो होता है या अनरिस्ट्रेंड ग्रोथ का मतलब है यानी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है. यानी एक चीज़ को या एक मुर्गी या किसी चीज़ को बढ़ना है विद इन अ ईयर, लेकिन जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है इसका मतलब वो चार महीने या छः महीनों में ग्रोथ अप हो जाते हैं. दिस इज द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ. अनकंट्रोल्ड ग्रोथ किसकी वजह से है, ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड डिवीजन. ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द डैमेज टू द जीन डेट कंट्रोल द सेल ग्रोथ. जो सेल ग्रोथ पे कंट्रोल करते हैं वो जीन क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं. आइदर एनी टाइप ऑफ टॉक्सिस ड्यू टू द ड्रग, ड्यू टू द एक्सरे की वजह से भी हो सकते हैं, ड्यू टू रेडिएशन की वजह, किसी वजह से भी वो क्या हो जाती है, जब जीन डैमेज हो जाती है, ड्यू टू द डैमेजिंग ऑफ द जीन दिस विल लीड टू अनरिस्ट्रेंड ग्रोथ एंड डिवीजन. जब अनरिस्ट्रेंड और डिवीजन होगी द प्रोसेस एंड दिस टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सेल, न्यू प्लास्टिक सेल की करेक्टरिस्टिक्स में आ जाती हैं. व्हाट इज मेटास्टेसिस, ट्रेवलिंग ऑफ द कैंसर सेल. जब कैंसर सेल क्या हो जाए, ट्रेवलिंग हो जाए टू डिस्टेंट साइट्स वेयर दे पॉपुलेट न्यू ट्यूमर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है एक ट्यूमर सेल, वो यहाँ से क्या हो जाए, ट्रेवल कर दिया जाए टू द अदर ईयर. दिस इज नोन एज मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस कहते हैं, मेटास्टेसिक टाइप ऑफ कैंसर कहते हैं हम. हमारे पास ये डायग्रामिकली स्ट्रक्चर में दिस इज द ट्यूमर, सही है. बाय द ब्लड सर्कुलेशन अगर ये क्या हो जाए, सर्कुलेट हो जाए
यहाँ पर भी डेवलप हो जाए, दिस इज नोन एज मेटा स्टेसिस, सही है। तो हमारे पास क्या है, सेल फ्रॉम ओरिजिनल ट्यूमर में ब्रेक थ्रो ब्लड की वजह से होता है या ब्लड या लिम्फ वेसल के जरिए ये ट्रेवल कर दिया जाता है या ट्रेवल कर देते हैं, इस कंडीशन को हम कौन से कैंसर कहते हैं, मेटास्टेटिक कैंसर कहते हैं। दिस इज डेंजरस एज कम्पेयर टू बिनाइन, सही है। तो हमारे पास मेटास्टेटिक ट्यूमर इज एस्टेब्लिश बाय दीज माइग्रेटिंग सेल। ये माइग्रेटिंग सेल क्या हो जाते हैं, माइग्रेटिंग सेल की वजह से कौन सा ट्यूमर बन जाता है, डेवलप हो जाता है, मेटास्टेटिक ट्यूमर बन जाता है। कैंसर ट्रीटमेंट, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास कैंसर ट्रीटमेंट या कैंसर ट्रीटमेंट मॉडलिटीज जो है थ्री टाइप्स होती है, कौन कौन सी हैं, सर्जिकल प्रोसीजर, रेडिएशन एंड केमोथेरेपी। हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन सा होता है, द फर्स्ट प्रायोरिटी व्हेन द पेशेंट इज डायग्नोस विद द कैंसर, सो व्हाट्स विल यू प्रायोरिटाइज, सही है। तो हम क्या करेंगे, हम कंडीशन ऑफ द कैंसर को देखेंगे, साइज देखेंगे, सही है, इसकी कंडीशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है जो सेव है वो सर्जिकल प्रोसीजर है। सर्जिकल प्रोसीजर जो ट्यूमर साइट को क्या कर देते हैं, एक्सेस आउट कर देते हैं, एक्सीजन किया जाता है और बायोप्सी लेते हैं कि मेटास्टेसिस तो डेवलप नहीं हो रहा है, बायोप्सी वी यूज इट। तो सर्जिकल प्रोसीजर फॉर लोकलाइज कैंसर के लिए, लोकलाइज मीन फॉर द बिनाइन ट्यूमर के लिए हम कौन सा प्रोसीजर यूज करते हैं, कौन सा प्रोसीजर सर्जिकल प्रोसीजर, सही है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज होते हैं, हमारे पास कौन कौन से कैंसर है जो जिसमें सर्जिकल प्रोसीजर यूज होते हैं, कौन कौन से हैं, हाँ कौन कौन से हैं सर्जिकल प्रोसीजर यूज होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के में यूज होते हैं, और दूसरा कौन सा है, ये है सॉरी, ब्रेस्ट कैंसर में यूज होते हैं, या यहाँ पर कार्सिनोमा ऑफ द टंग, वहाँ पर भी एक्सीजन आउट कर दिया जाता है, या अगर यहाँ पर भी हो ये भी एक्सक्रीट एक्सेस आउट किया जाता है और बायोप्सी लेते हैं, कोई पेलने का खतरा तो नहीं। और दूसरा तरीका रेडिएशन भी करते हैं, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन व्हेन दीज टू आर फेल तो हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ और मॉडलिटीज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द अगेंस्ट ऑफ द कैंसर क्या होता है, हम फिर केमोथेरेपी की तरफ चलते हैं। केमोथेरेपी इज द केमिकल सब्सटेंसेज हम यूज करते हैं, दीज आर द टॉक्सिक मटीरियल है, क्या है, फॉर द डिसिमिनेटेड लोकलाइज कैंसर के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन ज्यादातर ये हमारे पास कौन से मेटास्टेटिक कैंसर के लिए हम केमोथेरेपी यूज करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कैंसर, सही है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस किस पे हम डिपेंड करते हैं, टाइप ऑफ कैंसर भी करते हैं, इन टर्म्स ऑफ इट्स लोकेशन, कौन सा लोकेशन है, इनविजन प्रोसेस देखते हैं। जैसे ब्रेन ट्यूमर में भी हम क्या करते हैं, केमोथेरेपी यूज तो नहीं करते ज्यादातर, हम ब्रेन ट्यूमर में भी क्या करते हैं, एक्सीजन करते हैं, क्रेनोटमी करते हैं, तो वहां से जो कैंसर वाले एरिया इसको हम क्या कर लेते हैं, कट ऑफ कर लेते हैं, और क्या है, इनविजन प्रोसेस करते हैं, सही है, ऑफ इट्स लोकेशन, इनविजन प्रोसेस इसका क्या है, सही है। और पेशेंट स्टेट ऑफ हेल्थ भी देखते हैं कि पेशेंट की अगर सर्जिकल प्रोसीजर, जैसे पेशेंट हमारे पास एनेमिक हो तो हम डायरेक्टली सर्जिकल प्रोसीजर कर नहीं, फर्स्ट टू स्टेबलाइज हिज हेल्थ कंडीशन को हम स्टेबलाइज करेंगे, देन वी गो टू द सर्जिकल प्रोसीजर, ओके। हमारे पास फिर ये हमारे पास नॉर्मल सेल साइकिल है, तो क्या है, अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज थ्रो विच सेल पासिस फ्रॉम द टाइम इट इज फॉर्म अंटिल इट्स रिप्रोड्यूस, जिसमें सेल क्या हो जाते हैं, अ सीरीज ऑफ एक्टिविटी है, नॉर्मल सेल साइकिल है, जिसमें क्या होते हैं, सेल फॉर्मेशन होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ये हमारे पास सेल साइकिल क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सिंगल सेल इनटू डॉटर सेल। ये हमारे पास ग्रोथ डिवीजन है, एक सेल से दो सेल का बनने को हम सेल साइकिल कहते हैं। इट कंप्राइज ऑफ फाइव फेसेस, हमारे पास इसमें क्या है, फाइव फेसेस है चार, जबकि इसमें चार एक्टिव फेस है, जबकि वन रेस्टिंग फेस है, जिसको हम जीनोड फेस भी कहते हैं, जो हम अभी डायग्राम में पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। द रिप्रोडक्टिव साइकिल्स ऑफ नॉर्मल एंड कैंसर सेल्स आर एसेंशियली सेम, क्या है, ये तकरीबन सेम होते हैं। लेकिन अभी सेल साइकिल क्या होते हैं, यूकैरियोटिक रिप्लिकेशन साइकिल, हमारे पास हमने क्या कहा, फाइव फेसेस होते हैं, चार जो होते हैं वो क्या होते हैं, चार क्या होते हैं, एक्टिव फेस होते हैं, जबकि वन क्या होते हैं रेस्टिंग फेस होते हैं, चार, 1 2 3 4 दीज आर द फोर एक्टिव फेस एंड वन इज रेस्टिंग फेस। तो फाइव फेसेस होते हैं सेल साइकिल में हमारे पास। लेकिन हमने जब कहा था सेल साइकिल में, हमने कहा था कि सेल साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, G1 फेस से
कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? G1 फेज से स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम ग्रोथ फेज कहते हैं। और इस ग्रोथ फेज को हम क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट फेज कहते हैं। लेकिन बेसिकली तौर पे हमारे पास सेल साइकिल, हमने पढ़ा था 5 फेसेस, लेकिन बेसिकली तौर पे हमारे पास सेल साइकिल की 2 मेन फेसेज है। कौन कौन से 2 मेन फेसेज है? 1 इज इंटरफेस। क्या है? 1 इज इंटरफेस, INTERPHASE, 1 इज इंटरफेस एंड द सेकंड 1 इज MPHASE। यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? दिस इज नोन एज इंटरफेस। यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? यानी 4 आर इंटरफेस, सही है। लेकिन एक जो है माइटोसिस फेस है, जिसको हम डिवीजन फेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवीजन फेस कहते हैं। 2 मेन फेसेज है सेल साइकिल के। हमने कहा था 5 फेसेज, लेकिन मैं कहता हूं कि 2 फेसेज होते हैं बेसिकली तो पे। 3 आर एक्टिव फेस एंड वन इज क्या? डिवीजन फेस एंड रिमेनिंग 1 फेस इज रेस्टिंग फेस, सही है। इन 4 फेसेस में जो इंटरफेस, इसमें 4 फेसेज होते हैं, इसमें से 3 जो है एक्टिव फेस होते हैं। वन इज रेस्टिंग फेस। लेकिन एम जो है हमारे पास एक जो है, इसको हम एम फेस या माइटोसिस फेस भी कहते हैं, सही है। हमारे पास सबसे पहले जो है, हमारे पास G1 फेस है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ फेस भी कहते हैं, ग्रोथ फेस भी कहते हैं। G1 फेस और ग्रोथ फेस भी कहते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट फेस ऑफ द सेल साइकिल। मोस्ट ऑफ द सेल जो है प्रोड्यूस, इसमें से ज्यादातर जो है G1 फेस और ग्रोथ फेस जो है, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेस। इट्स टेकन प्लेस जब सेल डिवीजन होती है। G1 फेस जो है सेल साइकिल या सेल फॉर्मेशन के लिए G1 फेस कितना टाइम दरकार होते हैं फॉर द ग्रोथ फेस के लिए? 6 से लेकर 12 घंटे, 6 to 12 आवर्स में ये काम करते हैं। इसमें काम क्या होते हैं G1 फेस में? ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म होती है, और इसमें ज़्यादातर प्रोटीन सिंथेसिस और ऑर्गेनल का प्रोडक्शन होती है, सही है। इसमें क्या होती है? इसमें प्रोटीन सिंथेसिस और ऑर्गेनल्स लाइक राइबोसोम फॉर सेल डिवीजन के लिए क्या हो जाती हैं? प्रोडक्शन होती है। हेंस सेल चॉइस फॉर कंटिन्यूइंग एंड मूव टुवर्ड सेल डिवीजन नेक्स्ट फेस। फिर इसी तरह जब हमारे पास इसमें ग्रोथ यानी प्रोटीन सिंथेसिस या इस किसके लिए होते हैं? ताकि नेक्स्ट फेस की तरफ जाए। तो हमारे पास नेक्स्ट फेस पर जाने के लिए ये प्रोडक्शन ऑफ क्या कराते हैं? प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन करते हैं। यहाँ पर देख लो, G1 फेस में क्या होते हैं? सेल्फ प्रिपेयर्स टू डुप्लीकेट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन राइबोसोम एंड RNA विच विल बी नीडेड इन द नेक्स्ट फेस। नेक्स्ट फेस हमारे पास क्या है? एस फेस के लिए काम कारामद होती है। तो हमारे पास एस फेस में क्या होता है? व्हाट विल बी हैपन इन द एस फेस, जिसको हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, इस सिंथेटिक फेस में क्या होता है? मोस्ट स्पेसिफिकली DNA सिंथेसिस हियर, इसमें DNA सिंथेसिस होते यहाँ पर। हियर द DNA रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन विल बी अकर, यहाँ पर DNA रेप्लिकेट भी करते हैं, और इस रेप्लिकेशन के बाद फिर क्या हो जाते हैं? डुप्लीकेशन अदर DNA विल बी फॉर्म, सही है। इससे एक DNA से दूसरा DNA बन जाता है, ये एक DNA से दूसरा DNA जो है बन जाता है। और 23 pairs मीन 23 pairs का मतलब हाफ फ्रॉम मदर एंड हाफ फ्रॉम फादर जो है पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। जब 23 pairs ऑफ क्रोमोसोम जब डुप्लीकेट हो जाते हैं तो कितने पेयर्स बनेंगे? 46 pairs ऑफ क्रोमोसोम जो है प्रोडक्शन हो जाती है इन दिस फेस, विच इज नोन एज सिंथेसिस फेस और एस फेस कहते हैं। और इट रिक्वायर्स 6 to 8 आवर्स, इसमें कितना वक्त दरकार होता है? 6 to 8 आवर्स। यहाँ पर देख ले, सिंथेसिस फेस में क्या होता है? रेप्लिकेशन फेस, DNA डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस। रेप्लिकेशन होती है, रिप्लिकेशन ऑफ DNA डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस होती है, जिसमें DNA डुप्लीकेशन होती है। इस DNA डुप्लीकेशन की वजह से जब 23 pair ऑफ क्रोमोसोम जब डुप्लीकेट हो जाते हैं, सो इट विल बिकम 46 pair ऑफ क्रोमोसोम इसमें बन जाते हैं। किस फेस में? सिंथेटिक फेस में। इस सिंथेटिक फेस में फिर सिंथेटिक फेस के बाद हम फिर कहाँ जाते हैं? लेकिन याद रखो, हमने कहा था कि G1 फेस सिंथेटिक फेस की तरफ चला जाता है। ये कब चला जाता है? जब देयर इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, और राइबोसोम जो है जब क्या बनाते हैं? प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन किस लिए बनाते हैं? फॉर इन अदर फेस में जाने के लिए। लेकिन जब कभी हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन नहीं बनती है,
तो हमारे पास जीवन पेस्ट जो है बांस, हर सेल में जीवन पेस्ट जो है सिंथेटिक पेस्ट में एंटर नहीं होते हैं, बल्कि ये रेस्टिंग पेस्ट में करते हैं हमारे पास, बिकॉज हमारे पास मोस्ट ऑफ द सेल जो है जीवन पेस्ट गो टू इन अनदर डायरेक्शन कॉल्ड जीनोड पेस्ट और रेस्टिंग पेस्ट, विच वी हैव नो सेल डिवीजन, बिकॉज सर्टेन सेल इन योर बॉडी डोंट वांट फॉर सेल डिवीजन। जैसे हमारे पास न्यूरल सेल है, जब आपका ब्रेन सेल जो है वन टाइम जो है वो व्हेन द ब्रेन सेल इज फॉर्मेशन ओकर वन टाइम, सो नेक्स्ट टाइम देयर इज नो नीड फॉर द सेल डिवीजन। तो हमारे पास सेल डिवीजन की नीड नहीं होती, इसलिए जीन वन पेस जो है हमेशा तौर पे किस तरफ लेकर रेस्टिंग फेस की तरफ चला जाता है। तो हम ये कहते हैं कि बहुत सी सेल, जैसे हमने फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताया कि न्यूरल सेल में सिंथेटिक फेस नहीं होते, बल्कि वो जी नोट की तरफ चलता है, बिकॉज वन टाइम वो फॉर्मेट हो जाते हैं, देयरफॉर फॉर द नेक्स्ट टाइम इट डज नॉट नीड फॉर सिंथेटिक गो इनटू द सिंथेटिक फेस। सो द न्यूरल सेल और द ब्रेन सेल जो है वो क्या हो जाते हैं, रेस्टिंग फेस में होती है। फिर हमारे पास एस फेस के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जी टू फेस और ग्रोथ टू फेस कहते हैं। हम इसके लिए तकरीबन 3 to 4 hours दरकार होते हैं। इसमें क्या हो जाते हैं, इसमें क्या होते हैं, ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो है फॉर्मेशन होती है, और ये क्या हो जाते हैं, इट्स द रेमिडिटी, या ये क्या करते हैं, इट्स द रेडी फेस। ये क्या करते हैं, माइटोसिस डिवीजन के लिए ये क्या कर लेते हैं, अपने आप को प्रोडक्शन ऑफ मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्शन कर लेते हैं जी टू फेस में, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें चेक अगर कोई एरर हो ड्यूरिंग दिस फेस, कोई एरर हो उसको क्या कर लेते हैं, चेकअप किया जाता है, और चेकन के बाद ताकि कोई एरर ना हो, और इस एरर को क्या कर लेते हैं, यानी कैंसलाइज किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, और इसको सही करके फिर किस फेस में इसको एंटर करते हैं सेल डिवीजन को। ये नॉर्मल सेल की बात मैं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉक अबाउट द एबनॉर्मल सेल। जब नॉर्मल सेल में G2 फेस में प्री माइटोटिक फेस है, माइटोसिस से पहले का फेस है, डुप्लीकेशन ऑफ DNA एस चेक फॉर एरर एंड करेक्टेड, एरर को करेक्ट किया जाता है, और फिर इसको एंटर करते हैं इन द नेक्स्ट स्टेप विच इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं माइटोसिस फेस कहते हैं। क्या कहते हैं, माइटोसिस, माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह G2 फेस में बनते हैं, जिसको हम माइटोसिस फेस कहते हैं। लेकिन हमारे पास जैसे यहाँ पर है माइटोसिस, माइग्रेशन ऑफ DNA ऑन टू अपोजिट एंड ऑफ द सेल, सेल डिवीजन इन टू टू डॉटर सेल आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। लेकिन जी नोड फेस में क्या होते हैं, सेल इन दिस फेस डू नॉट डुप्लीकेट, इसमें फेस, इस फेस में जो सेल है वो डुप्लीकेट रिप्लिकेशन नहीं होते, सेल कंडक्ट देयर रूटीन एक्टिविटीज सच एज मेटाबोलिज्म वगैरह, इम्पल्स कंडक्शन कंट्रक्शन और सिक्रीशन वगैरह करते रहते हैं। लेकिन व्हेन द सेल रिसीव अ सिग्नल टू डिवाइड इट लीव्स द रेस्टिंग फेस, ये फिर किस तरफ, G1 फेस से वो डायरेक्टली जीनोड फेस की तरफ चला जाता है, यानी प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह होंगी, लेकिन सिंथेटिक सेल डुप्लीकेशन वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होंगी। ये कब, कौन से, ये बाज हमारे पास जैसे हमने न्यूरल सेल के बारे में बात की, ये वहाँ पर होता रहता है। तो हमारे पास जैसे हमने यहाँ कहा था, लेकिन हम अभी माइटोसिस की थोड़ा बहुत डिटेल पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ माइटोसिस। हमारे पास एम फेस की फिर अगेन 4 क्लासिफिकेशन होती है, जैसे हम अगर शॉर्टकट में पढ़ते हैं